और आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। आप सबका स्वागत है हमारी आज की खास पेशकश अब तक में। अमेरिकी दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां की सरकार ने चोलकालीन गणेश की मूर्ति और चोरी हुई 200 अन्य भारतीय कलाकृतियां सौंपी। इसके साथ ही भारत को विदेशों से वापस मिलने वाली धरोहरों की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी हो गई है, जो कभी चोरों और तस्करों के जरिए दूसरे देशों में पहुंच गई थी। भारत को उसके प्राचीन और कीमती सामान वापस मिल रहे हैं, तो इसके पीछे कूटनीति के साथ ही एक बड़ा संगठन का भी हाथ है। पहले बात करते हैं पिछले 2 सालों में क्या क्या वापस मिला है। अमेरिका ने 5 जून 2016 को लौटाए गणेश की कांस्य प्रतिमा और जैन धर्म के बाहुबली की प्रतिमा के अलावा 200 अन्य कलाकृतियों को भारत को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें धार्मिक मूर्तियां, कांसे और टेराकोटा से बने चीजें हैं। भारत को लौटाई गई प्रतिमाओं में से कुछ तो 2000 साल पुरानी है। भारत को पुरानी कलाकृतियों लौटाने वाले देशों में केवल अमेरिका ही नहीं है, कनाडा ने भी खजुराहो से चोरी हुई 900 साल पुरानी एक मूर्ति लौटाई है। बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति को पैरेट लेडी के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2015 में कनाडा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मूर्ति सौंपी गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी 11वीं सदी की नटराज की मूर्ति भारत को सौंपी है। चोल वंशकालीन नटराज की यह चोरी हुई मूर्ति और 10वीं शताब्दी की अर्ध नारीश्वरी की प्रतिमा सितंबर 2014 में मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान उन्हें सौंपी गई। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को लेटर लिखा है और उनसे कुछ सवालों के जवाब भी जानने चाहे हैं। सीएम ने उस मुद्दे पर गृह मंत्री को भी लिखा है और कहा है कि जब तक आप दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी सीधे दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं देते, तब तक रोज कम से कम 1 घंटा दिल्ली के लोगों की कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं सुलझाएं। केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधते हुए उन पर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने और दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के कंधों पर है, लेकिन आप दिल्ली पर ध्यान देने के बजाय 24 घंटे दिल्ली सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने में लगे रहते हैं। दिल्ली में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। सीएम ने एलजी से पूछा कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं और आने वाले समय में क्या कदम उठाने वाले हैं। केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली अत्यधिक असुरक्षित बन गई है, से टूरिस्ट यहां नहीं आना चाहते। बिहार में टॉपरों पर चल रहे विवाद और FIR के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इंटर की परीक्षा के टॉपरों का सच सामने आने के बाद से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की लगातार खिल्ली उड़ाई जा रही है। इस मामले में जांच के लिए सरकार ने SIT का भी गठन किया है। SIT की टीम ने बुधवार की सुबह ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती के बाद टॉपर बच्चों समेत कई और लोगों पर FIR दर्ज की गई। इसके बाद से स्थिति पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबर भी है कि रिजल्ट पर मचे बवाल के दौरान मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भी लालकेश्वर सिंह को काफी फटकार लगाई थी। नीतीश कुमार ने रिजल्ट के बारे में सीधे सवाल पूछा था कि किस आधार पर उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बने रहने दिया जाए। इस बीच खबर है कि SIT की टीम ने बुधवार को लालकेश्वर सिंह का लैपटॉप और कंप्यूटर भी जब्त किया है। वहीं बुधवार को ही पुलिस टीम जब पूछताछ के लिए टॉपर रूबी के घर पहुंच गई तो वह फरार थी। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। टेस्ट में फेल होने वाले विज्ञान टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार भी फरार चल रहे हैं। कश्मीर घाटी में सैनिक कॉलोनी स्थापित किए जाने के मुद्दे पर सोमवार को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बीच तकरार हुई तथा सदन में हंगामा भी हुआ। विपक्ष और कुछ मीडिया संगठनों पर एक गैर मुद्दे को उठाने का आरोप लगाते हुए महबूबा ने उमर पर उनके ट्वीटों के लिए हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री उमर ने यह कहते हुए जवाबी हमला किया कि यह उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए है और यह सोशल मीडिया के जरिए जनहित के मुद्दों पर बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमर ने कहा, मेरे छोटे से ट्वीट आपको चुप जाते हैं, आपको मूड बिगड़ जाता है। यदि मैं ट्वीट कर आपको जवाबदेह बनाता हूं तो मैं यह जारी रखूंगा। मैं यह बंद नहीं करने जा रहा और इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। सशस्त्र
बलों के कर्मियों के लिए प्रस्तावित कॉलोनियों का मुद्दा निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल रशीद ने उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेसियों को प्रदर्शन करना भारी पड़ गया है। दरअसल बुधवार को जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे थे। इसी दौरान एक हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मोदी का पुतला फूंकते समय एक महिला कार्यकर्ता के हाथ जल गए। हादसे में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हादसे के बाद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरेंद्र कासना ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य चीजों पर भी महंगाई की मार है। किसानों की समस्या बनी हुई है और केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि आखिर पेन के ढक्कन में छेद क्यों होता है।